ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड। अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत मसूरी स्थित घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज को सम्मिलित किया गया है, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा किया गया। सीबीएसई बोर्ड से संबंध इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 190 विद्यालयों को इससे जोड़ा गया है। प्रत्येक विकास खंड से 2 स्कूलों को इसमें रखा गया है। मौके पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक अलग स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि जो गरीब परिवार अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए इस योजना के अंतर्गत एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करवा सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निवेदन पर मुख्यमंत्री द्वारा मसूरी के स्कूल को इसमें सम्मिलित किया गया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का कि मेरे अनुरोध पर जब विद्यालयों का चयन हो रहा था तो हमारे इस विद्यालय को उन्होंने चयनित किया, क्योंकि मसूरी एजुकेशन हब है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं बड़े बड़े, लेकिन गरीब परिवारों के बच्चे आर्थिक कमजोरी के कारण वहां नहीं जा पाते। ऐसे में मसूरी के शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय एक मील का पत्थर साबित होगा और मेरा संकल्प है आने वाले 5 सालों के अंदर इसे सारी सुविधाओं से युक्त विद्यालय हम बनाएंगे। और जितने यहाँ के पब्लिक स्कूल हैं उनको ये कम्पीट करेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। मैं बहुत नीचे से उभर आया हूँ। आते ही जो मैंने चीज महसूस की, मांग पत्र मुझे नहीं दिया था, जो जो चीज मेरे दिमाग में आई, हमने इसको इंग्लिश मीडियम बना दिया, लेकिन बच्चों के लिए अगर अच्छा फर्नीचर नहीं होगा इसको देने की मैंने घोषणा की है। और एक बच्चा जब ड्रेस पहन कर जाता है, बढ़िया उसकी ड्रेस होती है, तो उससे एक अलग अनुभूति उस बच्चे के अंदर होती है। ड्रेस देने की घोषणा मैंने की है और कंप्यूटर देने की मैंने घोषणा की है कि आज सब चीज कंप्यूटराइज हो गई है और आगे भी जो डिमांड्स है हम उनको पूरी करने की कोशिश। जो यहाँ के गरीब और मध्यम वर्ग की जनता थी, जो अच्छे जो इंग्लिश मीडियम में अपनी फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनको क्या है कम सस्ते उस पे एक अच्छे बेहतरीन और अंग्रेजी माध्यम की सुविधाएं मिलेंगी, शिक्षण कार्य उनका मिलेगा। अभी तो अभी पहला आ रहा है, अभी इसमें डिस्टर्बेंस कोविड की वजह से डिस्टर्बेंस है, तो एक जो प्लानिंग दिशा निर्देश बन रही है, पॉलिसी बन रही है, उसमें आगे अभी एकदम से वो नहीं है। अभी हम 6th में, 9th में और 11th में 3 क्लास में हम क्या है अंग्रेजी माध्यम के वो एडमिशन लेने हैं। आपने कुछ डिमांड भी रखी थी, आप तो क्या क्या डिमांड थे, मंत्री जी ने क्या कहा? हाँ, हमने डिमांड तो अभी बहुत सारे, पर क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि हम कोविड में भी 2 करोड़ रुपए दे चुके हैं, तो उन्होंने हमें 200 फर्नीचर के लिए और कंप्यूटर के लिए और बच्चों की जो ड्रेस होगी जो अभी निर्धारित होगी विभाग द्वारा, उनके लिए हमने सहमति दी। और हॉल की जीर्णोद्धार की बात की है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर देखा विचार किया जाएगा। ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड।